सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज आपके लिए मैं टेस्ट ड्राइव पे जो गाड़ी लेके आया हूँ वो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, द ऑल न्यू टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट। ये गाइस एक्सेट प्लस वेरिएंट है, वो भी पेट्रोल में। सो आज इसकी टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा साथ देंगे मिस्टर दशिष्ठ जी, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ टाटा नेक्सन की वीडियो में थे। गाइस उस वीडियो को अराउंड 50,000 से 60,000 व्यूज होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत 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 थैंक यू इतना प्यार देने के लिए उस वीडियो को। सो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे ड्राइव रहती है पेट्रोल की। और गाइस इस हफ्ते में नहीं तो नेक्स्ट वीक में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पर हमारे हरियाणा में सबसे पहले ईवी आने वाली है, टाटा नेक्सन ईवी, जो कि टेस्ट ड्राइव की वीडियो मैं आपको सबसे जल्दी अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। ऑलरेडी भी डली हुई है बट टेस्ट ड्राइव की वीडियो नहीं डली हुई। गाइस ईवी में टेस्ट ड्राइव कैसी होती है उसकी पूरी फीलिंग मैं आपको बताऊंगा धर्मेंद्र जी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक करिए। सो गाइस आज हम जो गाड़ी लेके जाने वाले हैं वो है ये नेक्सन, और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, ब्लू कलर की है। ये कौन सा वेरिएंट है धर्मेंद्र जी? टॉप एंड वेरिएंट एक्सजेड प्लस जी। सो गाइस एक्सजेड प्लस है सनरूफ के साथ। इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज मैं इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो करने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हमारा साथ देने वाले हैं मिस्टर धर्मेंद्र जी। क्या हाल है धर्मेंद्र जी, कैसे हैं? सो आज की वीडियो में हमारे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे धर्मेंद्र जी। तो अब लेके चलते हैं, गाड़ी की चाबी अंदर ही है ये रही। सो गाइस सबसे पहले मैं इसकी गाड़ी की इसकी कीज टाटा नेक्सन की, यहाँ लॉक है, अनलॉक है, लाइट का है, बूट का ऑप्शन है। सो मैंने अनलॉक किया और यहाँ पे आ गया मैं अब टाटा नेक्सन के अंदर। ओ बहुत गर्मी हो चुकी है गाइस, बहुत गर्मी हो चुकी है, ठंड का मौसम जा चुका है। कीज़ मैंने यहाँ पे रख दी हैं, और धर्मेंद्र जी एक बार पकड़िए, मैं सीट बेल्ट पहन लूँ। हाँ जी बिल्कुल। सो गाइस सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। पुश बटन स्टार्ट है, हमने यहाँ पे क्लच दबाया। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस, ये है पेट्रोल वेरिएंट जो आज हम ड्राइव करने वाले हैं, पेट्रोल वेरिएंट है। सो अब इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा नीचे, मैं अपने हिसाब से एक बार इसे सेट कर लीजिए, एसी का सीट्स वगैरह सारी सेट कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पे सीट भी जो है उसको भी सेट करना पड़ेगा, और एसी ऑन, पहले तो इसकी मैं आवाज़ को कम कर देता हूँ। एसी ऑन हो चुका है इसका, नो वरीज। गर्मी बहुत हो रही है, गैस बन जाती है अंदर गर्मी की। सो अब हम लेके चलते हैं इसको टाटा नेक्सन को। सो यहाँ पे लगाया हमने फर्स्ट गियर, और ड्राइव शुरू हो चुकी है टाटा नेक्सन की। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम फिर से जीटी रोड के साइड में, जैसे मैं दिखा रहा था। सो ये इसका कुछ एमआईडी है, यहाँ पे आप देखो डिजिटल, बिल्कुल डिजिटल है, स्पीड बढ़ रही है, गियर शिफ्ट और इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको। सो धर्मेंद्र जी आप और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? न्यू नेक्सन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर दिया गया है, जिसमें गियर शिफ्टिंग एक्यूरेट दिखाएगा, आपके जो आरपीएम है, आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा, कितनी एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है। और थोड़ा जो लुक आता है वो स्पोर्ट्स कार का लुक आता है इसमें। स्टेयरिंग इसमें जो दिया गया है बॉटम कट स्टेयरिंग दिया गया है, जो ईजिली एंटर करने के लिए बेस्ट रहता है, और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है गाड़ी, जो स्टेयरिंग का लुक है वो स्पोर्ट्स कार वाला है सर। सो गाइज मैंने अब इसको थोड़ा सा हाईवे पे डाल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा इसका स्पीड टेस्ट करते हैं कि कैसी है। फिलहाल अभी तक तो गेयर्स काफ़ी स्मूदली लग रहे हैं। बॉटम कट स्टेयरिंग का गाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे, मोड़ते टाइम काफ़ी इजी रहता है, थोड़ा हैंडी भी है, स्पोर्टी लुक भी देता है गाड़ी को, चलाने वाले को ड्राइवर को अच्छी फील आती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी चलाने की, तो गाइस जैसे मैं चला रहा हूँ तो एक्सपीरियंस बढ़िया आ रहा है अभी तक, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया है, ऊँची ऊँची फीलिंग आ रही है, काफ़ी ऊँची है ये गाड़ी और मज़ेदार है। सो अब इसको हाईवे पे लेके चलते हैं, फिर वीडियो के साथ बने रहिए आप, बाकी हम मैं और धर्मेंद्र जी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे द ऑल न्यू टाटा नेक्सन के बारे में। जैसे कि मैं अब इसको लेके जा रहा हूँ हाईवे पे, तो थोड़ी सी स्पीड खींचता हूँ मैं जैसे इस गाड़ी की। सो ये स्पोर्ट्स मोड में मैंने लगा देता हूँ, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी लगा हो गया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट करा मैंने इसको, तो एकदम एक झटका सा फील होएगा गाइस। उसके बाद इसका थोड़ा सा आपको जो थ्रॉटल है वो फील होने वाला है। फोर्थ गियर में गाइस 100, 102 पे गाड़ी जा चुकी है, और स्पीड के हिसाब से तो सही चल रही है। फिफ्थ गियर में लगाता हूँ अभी इसको, थोड़ा आराम से वो है। सो स्पोर्ट्स मोड में इसकी एवरेज थोड़ी सी जो है कम हो जाती है, बट फील बढ़िया आ रही है स्पोर्ट्स मोड में चलाने में, ये सीन है इसका।
बॉटम कट स्टेयरिंग का गाइस बढ़िया फील आ रहा है मेरे को यहाँ पे। स्टेयरिंग में आपको पियानो फिनिश जो है देखने को मिलेगा, कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, हॉर्न भी आपको यहीं पे मिलेंगे पियानो फिनिश में। सो ओवरऑल जो इसकी मतलब जो हाइट है गाड़ी की वो भी बहुत बढ़िया दी गई है, 209 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 209 mm। तो मतलब इस टाइम पे मेरे को अच्छी फील आ रही है कि मैं किसी बहुत ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ। मधुबन से यू टर्न कर लीजिएगा। तो अब यू टर्न लेने की बारी आ ही चुकी है, फिर रुक के आराम से बात करते धर्मेंद्र जी हमको बताएंगे थोड़ा बहुत रुक के। मैं तो जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा था, इंडिकेटर दिया। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ आर्म रेस्ट की, तो आर्म रेस्ट भी बहुत कंफर्टेबल है, आप ऐसे होके कंफर्टेबली जो है गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। गियर नॉब आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, रिवर्स में आपको पीछे देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अब मैंने इसको राइट लिया द ऑल न्यू टाटा नेक्सन को, और इसके इंजन की बात करें धर्मेंद्र जी तो कैसा इंजन है इसका? पावर इंक्रीज़ की गई है सर इसके अंदर, सबसे मेन जो चीज़ है पेट्रोल के अंदर 110 PS पावर आती थी, अब 120 PS पावर है। इसमें आप फील कर सकते हो कि पहले वाली नेक्सॉन के मुकाबले गाड़ी के अंदर पिकअप बहुत ज़्यादा है, पिकअप है। स्पोर्ट्स मोड में तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ चलती है गाड़ी। इको मोड पे वापस से डाल दो। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो गाइस ये इकोनॉमी ड्राइव मोड वापस से एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको एक अटेंशन देगा, एक बारी बोलेगा ज़रूर माइक में कि इकोनॉमी हो चुका है या फिर सिटी मोड है या फिर स्पोर्ट मोड है। एवरेज इंक्रीज कर सकते हैं आप इकोनॉमी मोड, एवरेज इंक्रीज कर सकते हैं इको मोड पे आराम से। एक कस्टमर का डाउट ये रहता है कि इकोनॉमी मोड में गाड़ी उठेगी नहीं या कम स्पीड पकड़ेगी, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी मोड के अंदर गाड़ी का बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनी रहती है, आरपीएम और जो रेस है उसके साथ बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनाई है टाटा ने। ऐसा फील नहीं होता है कि भी गाड़ी दबेगी या कुछ भी। अभी आप इको में चला रहे हैं तो पिकअप भी अच्छा है, गाड़ी चल भी अच्छी रही है। अगर एकदम में ओवरटेक भी करना पड़े ना तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे हैवी वेट गाड़ी है, 5-star रैंकिंग गाड़ी एनकैप के अंदर, क्रैश टेस्ट में 5-star रैंकिंग। गाइस बॉडी वेट के हिसाब से अगर मैं बॉडी वगैरह की बात करूं तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक नंबर है, फुल हैवी बिल्ड क्वालिटी है गाइस। टाटा इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सेगमेंट के अंदर हर एक गाड़ी को लेके, कि वो बॉडी जो है, बॉडी जो इसकी बिल्ट है वो बहुत ही मजबूत रहती है। कितना भी मेजर एक्सीडेंट हो जाए 99.9% चांसेस होते हैं कि वो बंदा बच जाता है। लाइफ सेफ है। मतलब गाड़ी की गाइस आज की डेट में सब गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है इंसान के आगे, आपको सही बात बताऊँ। तो बंदा बच जाता है और आराम से फिर अपना आगे लाइफ में फॉरवर्ड हो जाता है। गाड़ी है वो तो इंश्योरेंस में ठीक हो जाएगी, मेन तो जान की कीमत है, वैल्यू की कीमत है जी। क्योंकि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है जान को खतरे में डालना। सो गाइस यहां पे एक बारी और स्पोर्ट फिर हमारा कट आने वाला है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट। स्पोर्ट हो जाएगा वो। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और मैंने थोड़ा एक्सीलरेट किया। स्पोर्ट में तो गाइस एकदम उठती है पेट्रोल, मतलब एकदम, और मेरे को लगता है कि डीजल इससे ज्यादा उठेगी। हां चलाने में गाइस बढ़िया है, हेडरूम भी बढ़िया है, लेग रूम भी बढ़िया है, सीट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है दे रखी है, और रग्बी शोल्डर सीट्स आती हैं जो ग्रिपिंग को बनाए रखती है, कंफर्टेबल है गाइस। यहाँ पे जैसे मैं हेडरेस्ट पे अगर लगा रहा हूँ, वैसे मैं अपनी नॉर्मली गाड़ी में हेडरेस्ट लगाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं अगर हेडरेस्ट लगा रहा हूँ तो एकदम बढ़िया फील आ रही है। और यहाँ पे रग्बी सीट्स जैसे दी गई हैं, जिसे हम बकेट फिट सीट्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे हमें आ रहे ऑब्लीक जो हैं, जो सबसे ज्यादा थक जाते हैं ड्राइव करते हैं, उसको सपोर्ट देती है, जो मेन चीज है सपोर्ट, बहुत बढ़िया चीज है। और उसमें गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि को ड्राइवर साइड में भी अगर ड्राइवर तेजी से कट मारता है तो को ड्राइवर भी इजीली कंफर्टेबली बैठ सकता है और बिना किसी झोल झाल के। तो ये सीट्स का इसका ये बेनिफिट है। बाकी बहुत अच्छी सीट्स हैं, कंफर्टेबल सॉफ्ट सीट्स दे रखी हैं। स्टेयरिंग व्हील की भी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गाइज, काफ़ी अच्छा जो है इसका टच जो है मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे, जो लेदर क्वालिटी है बढ़िया दे रखी है, पियानो फिनिश दे रखा है अट्रैक्टिव देने के लिए। बाकी अब रुक के 2 मिनट बात करते हैं धर्मेंद्र जी, हमें थोड़ा ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे
कि कैसी है और हमारी पेट्रोल गाड़ी। सो वीडियो के साथ गाइस एंड तक जुड़े रहिए। अब हमें धर्मेंद्र जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे द ऑल न्यू टाटा नेक्सन के बारे में। कैसे ये टॉप मॉडल है और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही गॉर्जियस कलर है। तो धर्मेंद्र जी आप क्या बता सकते हैं? डिज़ाइन चेंज कर दिया है गाड़ी का। अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम फील आती है गाड़ी में। बेस वेरिएंट चेंज अगर हमारे ग्यारह रहेंगे और जैसे हेडलैम्प रहेंगे। फॉग लाइट की डिज़ाइन को चेंज किया गया है और ट्राई एरो शेप का ज़्यादा यूज़ किया गया, जैसे पहले भी पहली वीडियो में हमने बताया था। और क्रोम फील को यूज किया गया है, गाड़ी की जो फील आती है वो प्रीमियम फील से ज़्यादा आती है और थोड़ा मस्कुलर शेप की जाती है। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले भी 209 mm का रहा है, अब 209 mm। दो कलर इसमें ऐड किए हैं, रेड कलर ऐड किया है, ब्लू कलर ऐड किया गया है इसमें। हाँ एलो रहेंगे 16 इंच के इसके अंदर। ये डायमंड कट एलो है, गाड़ी की लुक को इन्हांस करते हैं, ब्यूटीफुल शेप है। और साइड जो बीडिंग है वो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड रहेगी, कंपनी फिटेड रहती है। जो डोर्स मोस्टली कई बार फैमिली मेम्बर ओपन कर देते हैं तो साइड से लगने में स्क्रैच वगैरह ना लगे उसकी सेफ्टी रहती है। तीसरा जो मेन नेक्सॉन का पॉइंट है जो गाड़ी की लुक का है, ये वाइट कलर की स्ट्रिप्स जो साइड में चारों तरफ दिखी है, इसे हम एक्स फैक्टर बोलते हैं। ये नाइट में विजिबिलिटी का भी काम करता है और गाड़ी की लुक को भी इन्हांस करता है। रूफ रेल से जो मस्कुलर शेप गाड़ी को देती हैं, गाड़ी की लुक को एक स्पोर्ट्स कार बनाती है। रियर में ट्राई एंगल शेप का यूज़ किया गया लाइट में फ्लेक्सीबल LED के साथ, पहले फ्लेक्सीबल LED नहीं थी, जो गाड़ी की लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ये डिज़ाइन चेंज किया रियर में फॉग लाइट का बम्पर का। और जो सबसे खास बात रहेगी वो ये है कि हमारी किसी भी BS6 वेरिएंट में गाड़ी का वेरिएंट नहीं लिखा आएगा कि आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं या टॉप वेरिएंट ले रहे हैं। हमारे BS6 वालों में ही, हाँ हमारे लिए सभी कस्टमर स्पेशल हैं, सभी कस्टमर खास हैं, चाहे वो बेस ले चाहे वो टॉप मॉडल है, सब इक्वल है। और सर ये शार्क फिन एंटीना है जो गाड़ी की लुक को एनहांस करता है, ड्यूल टोन में आता है, जैसे ब्लू कलर और व्हाइट कलर का ड्यूल टोन इसमें यूज़ किया गया है। टॉप मॉडल में ड्यूल टोन ज़्यादा मिलेगा और ऑटोमेटिक और मैनुअल में। स्पॉइलर है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर गाड़ी की लुक को एनहांस करता है और जो एरोडायनामिक शेप है उसमें हेल्पफुल रहता है। जो बी पिलर और सी पिलर के अंदर जो ब्लैक ट्रिम का यूज़ किया गया है गाड़ी की लुक को एनहांस करता है। आउटर तो सेम यही है, ज़्यादा और नहीं है। बाकी इंटीरियर है जो इसके अंदर सनरूफ का यूज़ किया गया है, सनरूफ दिया है टाटा ने। जैसा कि मैंने सनरूफ के बारे में बताया था आपको कि हम ओपन करके दिखा देते हैं सनरूफ को। जो प्रीमियम कार्स का जो मेन फीचर है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि लग्जरी गाड़ियों में आता है, वो सनरूफ है। जो टाटा ने BS6 कार हैरियर है, नेक्सॉन है, उसके अंदर सनरूफ का यूज़ किया है और बहुत अच्छा फील होता है। जैसे हिली एरिया में अगर फैमिली के साथ जाते हैं ड्राइव वगैरह करने के लिए तो सनरूफ का ज़्यादा यूज़ उसी एरिया में होता है। अब ऑन हाईवे तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो धूल मिट्टी वगैरह गाड़ी के अंदर एंटर हो जाती है। ड्राई मोड्स पहले भी थे गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी को एक इंजन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एवरेज लेने के लिए, सिटी ड्राइव के लिए, या स्पोर्ट्स में अगर आप हाई पिकअप में चलाना चाहते हैं, थ्रिल में चलाना चाहते हैं, ओवरटेक या रफ एंड टफ ड्राइव आप इससे कर सकते हैं। मेन ये डिज़ाइनिंग है जिसमें स्क्रोल रहता है कि आप अपना कुछ सामान उसको हिडन रख सकते हैं इसके अंदर। बाकी मस्कुलर शेप तो गाड़ी की रहती है। फ्रंट का जो डैशबोर्ड है उसका डिज़ाइन चेंज किया है, ट्राई एरो वाइट कलर में ये डिज़ाइन बनाया विद क्रोम AC वेंट के साथ। ये आप जो टचस्क्रीन है इसके बारे में क्या बता सकते हैं? इंफोटेनमेंट बाय हरमन वो ब्रांड है जो लग्जरी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आती है। तो साउंड के लिए तो आपको जो म्यूज़िक लवर है उनको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो फ़ैन है इन गाड़ियों के, टाटा की गाड़ियों के। JBL के स्पीकर होते हैं, इंफोटेनमेंट बाय हरमन है, जिसके अंदर जो अगर टॉप मॉडल की हम बात करें, 3 न्यू फीचर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ये IRA इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट, जिसमें आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग बिहेवियर को सेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि एक एरिया डिवाइड कर सकते हैं कि उस एरिया से बाहर मेरी गाड़ी नहीं जाए, अगर जाती है तो मुझे अलर्ट आ जाए। ये सिक्योरिटी सिस्टम है। और सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, सेफ्टी तो सर 5-star रैंकिंग है NCAP के अंदर, सबसे सेफेस्ट कार है। और स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही ABS के 12 पॉइंटों को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें हिल होल्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रोल ओवर मिटिगेशन है, डिस्क स्वीप है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल है। ये जो फीचर है वो लग्जरी प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं, जो हमारी हैरियर के अंदर टाटा ने दिए थे, नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से ही उसको दे दिया, ताकि बेस वेरिएंट लेने वाले कस्टमर को भी ब्रेकिंग में कोई भी ये फील ना हो कि टॉप मॉडल की ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी और बेस मॉडल की ज़्यादा ब्रेकिंग अच्छी, ये फील नहीं होगा।
सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट से ही आपको ये ब्रेकिंग के सिस्टम मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है जो लुक को इन्हांस करती है, DRL मिल जाते हैं जो लुक को इन्हांस करती है। दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एट द टाइम अगर आप लेना चाहें। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको ऑल न्यू टाटा नेक्सन है पेट्रोल वेरिएंट में ये पसंद आई होगी। सून ईवी आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज़ को गाइस देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर।